Hello dear children, I hope you all are safe and sound at your places. So in last two videos we came to know about sentences, types of sentences, simple, compound and complex. We came to know about coordinating conjunctions and subordinating conjunctions, right? So now on the basis of those sentences we are going to discuss the worksheets, right, from your practice book. Let's see, worksheet 1 is there. Read these sentences taken from the unit People at Work from My English Reader. Put a tick against those sentences that contain one subject and one predicate. So you need to do what? You need to add tick. अपने टिक का यूज़ करना है बेटे, टिक करना है उन सेंटेंसेस में जहाँ पे आपको लगता है कि एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, राइट? तो वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, लेट्स रीड. आई डोंट वॉन्ट टू मेक मिस्टेक्स. आई हैव सोल्ड देम ऑल माई लाइफ बट आई स्टिल मेक मिस्टेक्स. आई हैव ए फ्यू पीसेस ऑफ ग्लास. आई सोल्ड द रिंग फॉर द राइट प्राइस एंड आई मेड £2 ऑन द पिक्चर. सो अब आपको ये डिसाइड करना है, आपको ये टिक करना है उन सेंटेंसेस को जहाँ पे आपको लगता है कि एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है. सो वी हैव वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन वन सेंटेंस वन, बिकॉज यू कैन सी आई इज़ द सब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. सेकेंड में हमारे पास एक सब्जेक्ट यहाँ पे है, प्रेडिकेट यहाँ तक, फिर दोबारा से एक सब्जेक्ट है, फिर प्रेडिकेट. सो ये नहीं होगा. देन थर्ड, आई हैव अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्लास. तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है. फोर्थ वन में भी वही सेकंड की तरह ही है, एक सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, फिर दोबारा से एक सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है. ओके, वर्कशीट टू लाइक इसी के ठीक नीचे है ये सेंटेंस में. In the sentences given above, sentence 2 and 4 consist of two parts. I have sold them all my life. I still make mistakes. ये मैंने आपको बता दिया ना अभी. यहाँ पे sentence 2 में ये दो parts हैं इसके. पहला part, the very first part is this one. Second part, this one. Fourth का भी ऐसे ही है. This one and this one. Right? So what you need to do is, in sentence 2, the two parts are joined by a coordinating conjunction. Which conjunction कौन सी है यहाँ पे? Yes, यहाँ पे एक conjunction है, but. और fourth में and. तो ये conjunction है, but, और fourth sentence में and. Each of clauses contain a subject and predicate and makes complete sense. So it is a dash. It is a what? It is a, it is called a simple sentence. जहाँ पे हमारे पास एक subject हो और एक predicate हो और उसका complete meaning आए तो उसको बोलेंगे principal clause भी बोलते हैं और इसको simple sentence भी बोला जाता है. Worksheet 2 is there for you. आपने यहाँ पे S for simple sentence and CS for compound sentences. हम we have already made a thorough discussion ऑन सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस बेटे. आपको पता है कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है? तो आपने सिंपल सेंटेंसेस के लिए एस का यूज़ करना है और कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए सी एस का यूज़ करना है. सो इट्स गेटिंग लेट, दिस इज ए व्हाट? दिस इज ए सिंपल सेंटेंस. द स्टूडेंट्स वॉन द मैच एंड द कोच वॉज हैप्पी. दो सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट यहाँ पे और प्रेडिकेट है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट है और एक कंजक्शन है एंड. एंड से जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, मैंने आपको बताया ना फैन बॉयज. सो सी एस मतलब कंपाउंड सेंटेंस है. शुड आई राइट अ लेटर और शुड आई मेक अ फोन कॉल, इट्स ऑल्सो ए कंपाउंड सेंटेंस. ओके, दैट इज अ ब्यूटिफुल पिक्चर. वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट, that is simple sentence.
My parents are away to Delhi, but they'll be back on Monday. तो ये दो sentences, दो independent clauses मिलके बना रहे हैं एक compound sentence को. This is a compound sentence. She was nervous, but she faced the audience. She was nervous, ये एक सेंटेंस. Then but का यूज़ हुआ conjunction का. Then again one more independent clause. दो independent clauses हो गए. तो this is a coordinate compound sentence. Is it stolen or have you lost it? Or का use हुआ है, compound sentence है, दो independent clauses हैं हमारे पास. The weather was warm but it was rather humid. दो अलग अलग independent clauses हैं, but से connected हैं, compound sentence होगा. My computer is out of order, simple, one predicate, one subject, independent clause है, अपना meaning पूरा बता रहा है. तो ये सिंपल सेंटेंस है. द गर्ल वॉज हैप्पी बट शी मिस्ड हर मदर. तो ये कंपाउंड सेंटेंसेस है, राइट. नेक्स्ट वी हैव वर्कशीट 3. वर्क इन पेयर्स, फाइंड आउट अ फ्यू थिंग्स अबाउट योर पार्टनर, गेट हिम और हर टू आंसर ए फ्यू क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू नो मोर अबाउट हिम और हर. ए फ्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैव बीन गिवन एज एग्जांपल्स. बिल्ड अप द रेस्ट योरसेल्फ. Take turns to the ask questions and ask your partner to write down the answers for each. Use the conjunctions given in brackets to frame your answers. Right? हमने conjunctions का use करना है, bracket में दी हुई हैं, और question पूछना है, question का answer भी करना है. You, आपने question पूछा अपने friend से, what would you do if you found a lot of money in the park? अगर आपको पार्क में बहुत सारा पैसा मिलता है तो what would you do, क्या करोगे. एंड का यूज़ करना है. आपके पार्टनर ने आंसर किया, आपके फ्रेंड ने आंसर किया, आई वुड कीप सम एंड गिव द रेस्ट टू द पुलिस. मैं कुछ अपने पास रखूँगा और बाकी सारा जो है पुलिस को दे दूँगा. दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, राइट, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हमारे, और एंड से कनेक्टेड हैं, राइट. तो कंपाउंड सेंटेंस बन गया. You, आपने अगेन यू आस्क द क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर स्कूल, व्हाट डू यू डिसलाइक अबाउट इट, बट का आंसर करना है. जैसे आई लाइक द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल बट आई डू नॉट लाइक द इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स. ओके, आई लाइक द टीचर्स ऑफ, प्लीज एड एस बिकॉज इट्स नॉट अ सिंगल teachers of school, but I do not like the indisciplined students. Then you ask a question, what will you do if you win a cash prize worth rupees 1 lakh. अगर आपको 1 lakh rupees का cash prize मिलता है तो आप क्या करोगे. तो और का use करना है आपने. I will help my poor friends or deposit it in the bank. और का यूज़ किया, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बन गए. अगेन यू आस्क ए क्वेश्चन, दिस इज नाउ फॉर यू पीपल, आर दे योर फ्रेंड्स. आपके फ्रेंड ने आंसर किया, दे आर माई फ्रेंड्स बट दे आर नॉट माई नेबर. यू अगेन यू आस्क ए क्वेश्चन, व्हाट डज योर मदर टेल यू. आपकी मदर आपको क्या कहती हैं. शी टेल्स मी टू कंप्लीट माई होमवर्क एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स. ओके, एंड का यूज़ किया. वाई आर यू लेट अगेन. योर फ्रेंड आंसर्स, आई सेट आउट फ्रॉम माई होम अर्ली बट आई कुड नॉट कैच द बस. सो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं हमारे पास, राइट. इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, बट कंजंक्शन है यहाँ पे, एंड कंजंक्शन है, बट कंजंक्शन है. तो हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिला करके हमने कंपाउंड सेंटेंस बना.